मुरैना जिले में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि टास्क फोर्स के ऊपर कई बार हमले कर चुका है। उसके बाद भी रेत का अवैध परिवहन और उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसी क्रम में आज पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रेत से भरे एक दर्जन के लगभग ट्रैक्टर ट्रॉली टास्क फोर्स ने पकड़े। वहीं 5 लोग अवैध उत्खनन करने वाले भी गिरफ्तार किए। ट्रैक्टर मिले, लेकिन जैसा आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे जब भी ऐसी कोई रेत वालों पे कार्रवाई की जाती है तो वो काफ़ी हंगामा मचाने का उनका प्रयास रहता है। कई बार कोशिश होती है कि वो अपना ट्रॉली पलट दें, या कि कई बार ऐसा होता है कि वो ट्रॉली को छोड़ करके भी मतलब भाग जाते हैं, ताकि उसमें उनका कोई पहचान में नहीं आए। आज उन्होंने काफ़ी गोलियाँ चलाई हैं। देखिए, इसमें जो है ऐसा है कि कई बार जब आमना सामना होता है तो उसमें है, लेकिन एक आध फायर हुआ हो तो उसमें मतलब नहीं उसमें समझ में आया। लेकिन ये है कि एक अच्छी सफल मतलब काम था ये, और इसका जरूर असर होगा कि जो भी अवैध रेत के कारोबार में लिप्त हैं उनमें एक डर का माहौल उसमें जाएगा कि कोई भी गलत गतिविधि करने से पहले वो सोचेंगे। कितने वाहन पकड़े गए? देखिए, उस समय पे हमें तो जितने मिले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कार्रवाई करते हैं तो लाइन ऑर्डर की स्थिति निर्मित होती है यदि आप वहाँ पे इकट्ठा करते हैं, तो क्योंकि गांव वाले सारे इकट्ठा होकर के आ जाते हैं। कुछ एक ड्राइवर हैं जो कि उनके साथ में थे, बाकी तो भाग गए हैं, लेकिन कुछ जो भी हाथ में लगे हैं पुलिस ने पकड़ा।